हेलो एवरीवन, ये एक दूसरा प्रॉब्लम है हमारे पास थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड। तो इसमें क्या कहा गया है, हमको दो चीज़ें पूछी हुई हैं, दो केसेस पूछे हुए हैं कि एक तो बोला है टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, और दूसरा केस बोला है आपको टर्मिनल सी और डी के अक्रॉस आपको फाइंड आउट करना है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होती है, रिमूव द लोड। इस केस में हमको क्या बोला है, ए और बी के बीच में फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो हम इतने पूरे पोर्शन को हम लोड समझ के रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग सर्किट क्या बच जाता है, और ये हमारे टर्मिनल्स हो गए ए एंड बी। नेक्स्ट स्टेप हमारा था फाइंडिंग आउट वीटीएच अक्रॉस लोड, जो कि हमारे ए और बी टर्मिनल्स है। तो हमको निकालना है वीएबी व्हिच इज इक्वल टू वीटीएच प्लस माइनस। कैसे निकालेंगे वीटीएच, वीटीएच निकालने के लिए हम सिंपली यहां पर वोल्टेज डिविजन लगा सकते हैं। वीटीएच इज इक्वल टू वीएबी इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 प्लस 2 विच विल बी इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 6 4 वोल्ट्स। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या थी, हम आरटीएच फाइंड आउट करेंगे। आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होंगे उनको हम इनएक्टिव करेंगे। तो इस केस में क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है, इसे हम इनएक्टिव करेंगे, हम इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। और यहां से हम देखते हुए आरटीएच फाइंड आउट करेंगे। हमें देखने से क्या पता चल रहा है, ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सीरीज में हैं, उसके ये पैरेलल में है। तो हम बोल सकते हैं 2 प्लस 2 इज पैरेलल विद 2 विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 इट्स विल बी इक्वल टू 4 बाय 3 ओम्स। तो इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पे क्या आ जाता है, प्लस माइनस वीटीएच आरटीएच, ये क्या होंगे, वीटीएच इज इक्वल टू क्या है, यहां पे हमारा 4 वोल्ट्स निकल के आया, और यहां पर ये क्या है 4 बाय। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में पूछा गया है थेवेनिन इक्विवेलेंट अक्रॉस दिस टर्मिनल्स सी एंड डी। सी एंड डी के लिए अगर हमको निकालना है सी और डी के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेप हमारी क्या थी, लोड रिमूव के लिए। यहाँ लोड ऑलरेडी रिमूव्ड है तो हमें वो रिमूव नहीं करना है। दूसरी स्टेप है हमें वीटीएच फाइंड आउट करना है, यहाँ ये प्लस ये माइनस वीटीएच, या इसको हम बोल सकते हैं वीसीडी के बराबर हो गए। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से पूरा यहाँ पर नोडल लगाएं और फिर यहाँ पर नोड लगाते हुए यहाँ का वोल्टेज फाइंड आउट करें, या सिंपली हमको पिछले केस का मालूम है क्या है 4 वोल्ट्स सीरीज विद 4/3 ओम्स, ये हमारा अप टू यहां तक हमने फाइंड आउट कर लिया है। यही एडवांटेज है थेवेनिन थ्योरम का कि हम इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंपल बैटरी और रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें यहां तक का इक्विवेलेंट सर्किट पता है, तो हमने उसे ड्रॉ कर दिया। उसके आगे का इक्विवेलेंट सर्किट, उसके आगे का सर्किट हमारा हम ड्रॉ कर लेंगे, ये 2 ओम्स, देन ये 2 ओम्स, देन ये 2 ओम्स। अब सर्किट कितना सिंपल हो गया है, यहां हमें निकालना है वीटीएच, निकाल सकते हैं डायरेक्टली वोल्टेज डिवीजन लगा देंगे। तो वीटीएच विल बी इक्वल टू वीसीडी विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय ये सारे रेजिस्टेंसेस का सम, जो कि हो जाएगा 4/3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, दिस विल बी इक्वल टू 12/11 वोल्ट्स।
जब हमें RTH निकालना है तो RTH निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सोर्स को, इंडिपेंडेंट सोर्स को इनएक्टिव करना पड़ेगा। इसे इनएक्टिव करेंगे तो हमारे पास क्या सर्किट बनेगा, फॉर फाइंडिंग RTH। यहां से देखते हुए ये बहुत ध्यान रखना है कि हमें RTH कहां से निकालना है, हमें यहां से देखते हुए RTH फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा है 2 ओम्स, ये भी है 2 ओम्स, ये 4/3 ओम्स और ये अगेन 2 ओम्स। तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों रेजिस्टेंस जो है ये सारे सीरीज में है और ये उसके पैरेलल में है। तो हम बोल सकते हैं RTH विल बी इक्वल टू 4/3 प्लस 2 प्लस 2, दिस इज पैरेलल विद 2 ओम रेजिस्टेंस, जिसका की वैल्यू आ जाता है हमारा 16/11 ओम्स। इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेंगे, फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट फॉर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस सी एंड डी हमारा आ जाएगा। ये सी और डी टर्मिनल्स है, VTH हमारा निकल के आया है कितना 12/11 और ये आया है हमारा 16/11।